बताते चले कि एमएलएस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की गिनती शांतिपूर्ण चल रही है। यहां सभी छात्र संघ किसी न किसी सीट पर अपना कब्जा जमाया। वहीं अध्यक्ष पद पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन तो उपाध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना कब्जा जमाया। कुछ सीटों पर देर तक रिकाउंटिंग की सूचना प्राप्त हुई है। कल बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ था और आज सुबह 10 बजे से जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, यानी कुल हमारे यहाँ 58 उम्मीदवार थे अलग अलग पद के, सभी को समक्ष बैठा करके मतगणना गिनती हुई है। अभी तक 3 पदों के लिए घोषणा हो चुकी है। जो चुनाव जीते हैं उसमें कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रमुख ये था, वो हम लोग कर चुके। हाँ, ट्रेजरर कोषाध्यक्ष हो गए, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए और एक सेक्रेटरी को महासचिव, माने महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, ये तीनों का गिनती हो गया। हमारे यहाँ कुछ 884 पोल हुआ था, उसके आधार पर सभी कैंडिडेट को जब अधिक मत लाए हैं, 4 बजे शाम में हम सभी लोगों को, सभी जीते हुए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र देंगे।